जय माँ इंद्राक्षी। आइए जानें तीन कर्म करते समय तीन बातों में सदैव हमें मौन ही रहना चाहिए। वो कौन कौन सी तीन बातें हैं, तीन कर्म हैं? पहला भजन और भोजन। भोजन करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, मौन रहकर ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, पहले में ही आता है भजन और भोजन में, तो भजन करते समय भी हमें सदैव मौन रह करके अपने मन को वश में करते हुए मन इधर उधर न दौड़े, ना ही हम किसी से बार बार बात करें, मौन रह करके हम अपना भजन करें। दूसरी स्थिति, स्नान करते समय भी हमें सदैव मौन रहना चाहिए। हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करते समय भी हमें केवल देवता का स्मरण, यज्ञ देवता का स्मरण, जिस मंत्र से हम यज्ञ कर रहे हैं उस मंत्र के जो देव देवी हैं उनका ही स्मरण करना चाहिए। अदरवाइज हमें इधर उधर किसी से बात नहीं करनी चाहिए। क्या क्या इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, एक नज़र आप ये भी देखें। पूजा करते समय, भजन करते समय मौन ही रहें, मौन रहने से ही हमें सिद्धि की प्राप्ति संभव है। भोजन करते समय भी बोलना नहीं चाहिए, अन्यथा आयु का ह्रास होता है, आयु की कमी होती है। स्नान करते समय भी मौन रहने से लाभ, अगर हम मौन नहीं रहेंगे तो शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति कमज़ोर पड़ती है। और हवन के समय बोलने से हमारी शोभा अर्थात हमारी कांति का ह्रास होता है। तो इसलिए ध्यान रखें, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, वहाँ सदैव मौन ही रहना चाहिए। और वैसे भी कहावत है, एक चुप सौ को हरा देता। इसलिए कहीं विद्वानों की सभा हो तो वहाँ भी हमें अनगढ़ नहीं बोलने लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। जब अपनी बारी आती है तब शांत भाव से मृदुल भाषा में हमें सबसे बातचीत करनी चाहिए। इसलिए सदैव ध्यान रखें, भोजन के समय, स्नान के समय, यज्ञ आदि के समय और भजन के समय जो साधक इन नियमों का पालन करता है वो अपनी सिद्धि को प्राप्त कर ही लेता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट, शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय 10:00 से शाम 6:00 तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।